फिक्र करा किया। आ गई मैं। जोहरा फिक्रत के पास चली गई है फिर से। जोहरा फिक्रत के पास चली गई क्या मतलब? सईद, अगर वो मेंशन चला गया तो या अल्लाह रहम, वो तो उसे मार देंगी। बाबा मुबारक हो, आज तो बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि इतने अरसे से जो आप कोशिश कर रहे थे, आज वो कोशिशें रंग ले आई हैं। जो खुशियां हम देना चाहते थे वो आज आप खुद ले आए। मैं इसे सजा जरूर दूंगा बाबा। गई मैं। तुम रात को घर पर क्यों नहीं आए? अम्मी और रुवेदा परेशान हो रही थी, और मैं भी। बाद में बात करता हूँ तुमसे। सब ठीक तो है ना? जोहरा फिक्रत के पास चली गई है फिर से, मेरे पास खत छोड़ के चली गई। जोहरा फिक्रत के पास चली गई क्या मतलब? उसने ऐसा क्यों किया? यही सवाल तो मैं अपने आप से कर रहा हूँ कि वो आखिर क्यों चली गई, क्यों चली गई? मैं भी जाऊंगा। सही, रुको, कोई पागलपन मत करना। सईद, फोन काटती। या अल्लाह रहम कर, अगर वो मेंशन चला गया तो या अल्लाह रहम, वो तो उसे मार देंगी। मैं कुछ सोचता हूँ, क्या उसको एड्रेस पता है वहाँ का? करीब से ही तो मुझे पिक किया था, ढूंढ लेगा वो उन्हें। एक काम करें, आप फौरन जाके सईद को रोकें। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जवीरा साहिबा, मैं सईद को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, मुझे मेंशन का रास्ता पता है, मैं भी चलूँ आपके साथ। रुवेदा, यहीं रुको, सब यहीं रुके, मैं अकेले ही जाता हूँ। सईद को मैं लेकर आ जाऊंगा, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इंतजार कीजिए बस मेरा, आप सब यहीं रुके, ठीक है? मैं आता हूँ।
वाह वाह वाह, यकीन नहीं आ रहा ये मैं क्या देख रहा हूं। जोहरा खुद चल कर आई है यहां। कुछ भी हो लेकिन हम भूल नहीं सकते कि तुमने क्या क्या किया है। बाबा मुबारक हो, आज तो बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि इतने अरसे से जो आप कोशिश कर रहे थे आज वो कोशिशें रंग ले आई हैं। जो खुशियां हम देना चाहते थे वो आज आप खुद ले आए। मुझे भी अच्छा लगा बहुत। चलो बाबा के सामने झुककर माफी मांगो। जल्दी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। बाबा सुन रहे हैं ना आप, अभी तक वही अदाएं, गुस्सा। याद रखो माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, वरना हम यही समझेंगे कि जोरा तुमने कराकिया खानदान की शान में गुस्ताखी की और हमेशा हमारी इज्जत को दागदार किया और आज भी कर रही हो। मैं इसे सजा जरूर दूंगा बाबा। जाकिर चुप रहो। चलो बाबा के सामने झुक जाओ और माफी मांगो। जितनी जल्दी माफी मांग लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। सुन रही हो ना तुम मुझे? सर, मैं नहीं झुकूंगी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तुम अगर जिद्दी हो तो जिद्दी मैं भी बहुत हूं। मैं झुकता नहीं हूं, सिर्फ झुकाता हूं। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। हाँ, जोहरा मेरी बीवी है। अब अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो याद रहे गोली में सीधी उसके सर पर मारूंगा। आपने मेरे गार्ड को गोली मारी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं इससे भी बुरा करूंगा अगर किसी ने गलत हरकत की। सिर्फ इस्तांबुल ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी, बल्कि पूरा इलाका। अगर आप यकीन करें तो पूरे उर्गुप के लोग आपको देख रहे हैं बाबा, और वो ये सोच रहे हैं कि इस औरत ने आप पर क्या जादू किया। आप ये बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं लोगों से, कि आप एक मामूली लड़की के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गए बाबा। मैं नहीं चाहता बाबा कि कोई भी मेरे बाप को बेवकूफ समझे। क्या मिला है आपको अभी तक बाबा? आपने अपने रोब और दबदबे का तमाशा बना लिया है। आप हमारे आबाओ अजदाद की इज्जत को भी खो बैठे हैं बाबा। क्या चाह क्या रहे हैं आप? कि वो लोग जो बरसों से हमारी इज्जत करते चले आ रहे हैं वो हमें रुसवा करें? आप बताएं, आज तक तो किसी की जरूरत नहीं हुई कोई हमारी इज्जत पर उंगली उठाए।
आप खुद ही बताएं जो मैं कह रहा हूं गलत है। आप खामोश क्यों खड़े बाबा? बोले बाबा, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं क्या वो गलत है? जाकिर, मुझे इज्जत का सबक देने की जरूरत नहीं है, वो भी खासकर तुम्हें। अगर तुमने हमारे आबा अजदाद से कुछ सीख लिया होता तो कम से कम इतना जरूर याद होता तुम्हें कि अपने बाप से बात करने के क्या आदाब होते हैं। इसलिए तौर तरीके मुझे मत सिखाओ तुम। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं बाबा, कुछ नहीं। तो फिर तुम बताओ ना मुझे जाकिर कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो। बताओ तो, क्या ये सीखा है तुमने मुझसे? यहां से दूर हो जाओ। ले जाओ इसे। ज़ोरा, आ जाओ ज़ोरा। सर, क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे? मैनू लगता है तेनू